नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, लिहाजा भोर सुबह से लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे और अब बारी है सभी 13 अखाड़ों की, जो थोड़ी देर बाद गंगा तट पर स्नान के लिए पहुंचेंगे। 13 अखाड़ों के लाखों नागा साधु गंगा में डुबकी लगाएंगे। हालांकि यहां कोविड नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में साधु संत भी स्नान करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें जो हरिद्वार से आई उसमें हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी थी और जब साधु संत स्नान करेंगे तो उस वक्त ये तस्वीरें देखने को मिली। तो एक ओर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे, वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाए जा रहे। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान पर चूना अग्नि आवाहन, किन्नर अखाड़ों के साधु संतों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश हुई है। ये उसी वक्त का नजारा है जब फूलों की बारिश हुई। नागा सन्यासी अखाड़ों के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शाही रूप से गंगा में स्नान के लिए जा रहे हैं और भक्त साधु संतों से आशीर्वाद दे रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, हमारे संवाददाता पंकज राणा हरिद्वार स्नान के लिए पहुंच गए हैं। पंकज, तस्वीरें दिखाएं। राजीव, ये पीछे तस्वीरें देखिए, ये कुंभ का पहला शाही स्नान है। तमाम जो नागे बाबा है संत, देखिए किस तरह से वो सीधे यहाँ पहुंच गए हर की पौड़ी पर स्नान के लिए। जूना अखाड़े के संत हैं ये, पहले महाकुंभ की पहले स्नान की पहली लाइव तस्वीर है भी गंगा पर। देखिए किस तरह से तमाम जो साधु संत हैं वो पहुंच गए हैं, ये कितनी बेहतर मनमोहक दृश्य है। तमाम जो नागे बाबा है गंगा में स्नान के लिए पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीरें भी गंगा पे आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और सीधे देखिए जो नागे बाबा है जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, किस तरह से महाकुंभ का की रौनक होगी, किस तरह से रौनक नजर आएगी, वो रौनक यहां दिख रही है। तमाम साधु संत पहुंच गए हैं और गंगा माँ की जयकारों की आवाज बिल्कुल तरह सुनाई दे रही है। ये जूना अखाड़े की पहले शाही स्नान कर रहा है, पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा, उसके बाद जो सन्यासियों के साथ अखाड़े हैं वो धीरे धीरे आकर ये स्नान करेंगे और जो इनके अपने इष्ट देवता होते हैं उनको डोली के जरिए वो लेके आए हैं। पूरे शहर में पूरी तरह से एक जो शाही अंदाज होता है, शाही रूप में होता है, जो राजशाही ठाट बाट होते थे पहले, जिनको राजा जो अपने गुरुओं को कराते थे स्नान, उसी के आधार पर यह किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से सनातन धर्म की परंपरा यहां हमारी नजर आ रही है। तमाम साधु संतों की जय जयकारों की आवाज गूंज रही है और तमाम नांगे बाबा जो लंबे समय से जिनका इंतजार था और जो तमाम लोग थे, जो यहां की जनता थी, हमारे देश की जनता थी, वो देखना चाह रही थी कि मां कुंभ की रौनक कैसी होगी। ये तस्वीरें हैं, सीधे तमाम नांगे बाबा साधु संत स्नान कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें थे एबीपी गंगा पर, सीधे दर्शक देख रहे हैं। ये महाकुंभ की पहली तस्वीर है। तमाम साधु संत जूना अखाड़े के संत है वो यहां पहुंचे हैं और स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहला शाही स्नान और पहले शाही स्नान की महाशिवरात्रि पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर लगातार नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये वो नजारा है जिसका लंबे समय से हमारी देश की जनता को इंतजार था कि आखिर महाकुंभ की रौनक कैसी होगी। तो साधु संतों के आगमन के बाद यह रौनक अब यहां दिखने लगी है, नजर आ रही है। और आज पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर दिख रहे हैं और ये पहले यहां आमतौर पर इससे सुबह का जो नजारा था, सुबह की जो बात अगर हम करें तो शिवरात्रि पर सुबह के वक्त यहां पर तमाम जो श्रद्धालु आए थे स्नान के लिए वो यहां स्नान कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से जो स्थिति है वो बदल गई है। किसी भी आम श्रद्धालुओं को यहां आने की परमिशन नहीं है, वो नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जो साधु संत है, जो नागे बाबा है, जो सन्यासी है, जो लंबे समय से पूजा अर्चना करते हैं, जो तपस्या करते हैं अलग अलग हिस्सों पर, पर्वतों पर रहकर तपस्या करते हैं, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यह इंतजार था, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ, एक जो पूरी प्रक्रिया थी, मेला प्रशासन ने जो लंबे समय से एक इनकी व्यवस्थाएं की थी वो व्यवस्था नजर आ रही है और पुलिस के साथ पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही है। शहर में ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो संत हैं, वो एक शाही अंदाज के साथ अपना जो एक हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया होती है, पूजा पाठ करके अपने अखाड़ों में ईष्ट देवता को नमन करके भगवान शंकर का आशीर्वाद लेके वो आए हैं। और यही नागे बाबा होते हैं जो भगवान शिव का भी रूप माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि जब इनका आशीर्वाद ले ले तो सारी मन्नत पूरी होती है। और देखिए तमाम जो बाबा है वो जटाओं के साथ, लंबी लंबी जटाओं के साथ यहां है और जो तमाम हम जी पंकज लौट रहे हैं आपके पास दिव्य तस्वीरें, आप हरिद्वार से हर के पैड़ी से दिखा रहे हैं।